प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ पहली बात तो ये कि लक्ष्य हमारे जीवन में एक होना चाहिए और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए एक प्लान का होना बहुत ज़रूरी है हम सपने तो देखते हैं हिमालय को भी लांघने का लेकिन हमारे पास धूल के कन को भी पार करने का प्लान नहीं होता है प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है success paname so dear students have a goal in your life and also have a plan to achieve that goal welcome students to the subject introduction to solid mechanics which is being taught in the fourth semester in the department of civil engineering we are right now in the third module and this is lecture number 6 of third module in this lecture we will see SFD and BMD for simply supported beam carrying UDL that is uniformly distributed load. Okay, UDL uniformly distributed load. We have already seen point load okay at midpoint and also eccentric point load. Now let us see the case of UDL. Okay, I have already drawn a diagram. In the diagram, you can see a beam which is simply supported okay and the load it is carrying is udl okay you can see point a b and the midpoint c the length is l okay first and the foremost thing we need to find what is r a and what is r b that is the reactions okay Aapko अगर मैं इसको आर बी बोलूँ तो आर बी की वैल्यू कितनी होगी आर ए बोलूँ तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए कितनी होगी ये है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ठीक है अगर इसको मैं एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना होगा डब्लू इन टू एल ठीक है तो डब्लू एल और एक पॉइंट लोड मिड पॉइंट पे ये एक्ट करेगा ठीक है यही तरीका है ओके तो अब मिड पॉइंट पे एक डब्लू एल लोड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन इस केस के लिए हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं क्या होता था डब्लू एल बाई टू इधर और डब्लू एल बाई टू इधर ओके okay. तो आर ए और आर बी की वैल्यू आपको पता है ठीक है डब्ल्यू एल बाई टू एंड डब्ल्यू एल बाई टू ओके नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है तो हम लोग एक सेक्शन कंसिडर करते हैं ना? कंसिडर है ना कंसिडर अ सेक्शन है ना कंसिडर अ सेक्शन मान लीजिए उसका नाम है एक्स एक्स लिख देता हूँ ठीक है एट अ डिस्टेंस at a distance x from left left end okay a okay एके section को हम लोग consider करेंगे ठीक है इस section को मैं यहाँ show कर रहा हूँ ठीक है कितनी दूरी भैया तो x दूरी पर यह सेक्शन है ठीक है अब मुझे बताइए निकालना क्या है सीयर फोर्स इस सेक्शन पर ठीक है बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे तो मुझे बताइए इस सेक्शन पे सीयर फोर्स कितना होगा तरीका क्या है सेक्शन लेते हैं या तो सेक्शन के राइट right या फिर सेक्शन के लेफ्ट में हम लोग बात करते हैं तो चलिए हम लोग लेफ्ट में बात कर लेते हैं लेफ्ट में क्या बात करते हैं तो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस वही तो लेना है तो देखिए तो जरा लेफ्ट साइड में इस सेक्शन के कौन से वर्टिकल फोर्सेज हैं तो एक ही तो वर्टिकल फोर्स दिख रहा है ओ ओ दूसरा भी दिख रहा है कौन सा देखिए एक ये है और दूसरा ये जो यू है इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये भी तो एक लोड के रूप में एक्ट करेगा ना ठीक है तो दो तरह के हमें फोर्सेस दिख रहे हैं तो दोनों का सम्मीशन लेना होगा हमें ठीक है तो मैं लिखूं अगर एफ एक्स डैट इज सीयर फोर्स एट सेक्शन एक्स तो इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू कितना आर ए ठीक है आर ए किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर ठीक है और ये नीचे की ओर तो आर ए ऊपर मैं पॉजिटिव लूँ नीचे निगेटिव लूँ तो आर ए माइनस कितना डब्लू इंटू एक्स सही है गलत बताइए ठीक है सीयर फोर्स जो भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं सबका समेशन ले लेना है तो ये अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये निगेटिव लेंगे ठीक है तो आर ए माइनस डब्लू एक्स डब्लू एक्स कहाँ से आया यहाँ से ना आया ये डब्लू है और ये एक्स है तो डब्लू इंटू एक्स एक पॉइंट लोड के रूप में एक्ट करेगा ठीक है तो आर ए कितना है भैया आ रहे आ रहे है डब्लू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स ठीक है अब एक चीज़ आप यहीं देख लोगे कि वेरिएंस जो हो रहा है ना कैसे वेरी कर रहा है सीयर फोर्स तो एक लीनियर रिलेशन है एक्स फंक्शन ऑफ़ एक्स ठीक है ये एक फंक्शन ऑफ़ एक्स है कॉन्स्टेंट हुआ करता था पॉइंट लोड के केस में लेकिन अभी एक फंक्शन ऑफ़ एक्स है ये बात को ध्यान रखना है ठीक है तो सीयर फोर्स हमने निकाल दिया है ओके चलिए लीनियर वेरिएशन होगा और एक स्ट्रेट लाइन लॉ को फॉलो करेगा ये भी हमने देख लिया है ठीक है चलिए अब मुझे ये फिगर को देखते हुए बताइए तो एट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मैं बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू ज़ीरो पर इसका क्या मतलब है ये सेक्शन यहाँ है बोल रहे हैं कि सेक्शन को घसकाते 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 यहाँ तक ले आइए ठीक है सेक्शन ए तक लेकर आइए तो वहाँ पर x की वैल्यू जीरो ही तो होगी ना होगी तो वहाँ पर सीयर फोर्स एफ ए निकलेगा ठीक है कितना निकलेगा तो जरा पुट करके देखिए तो यहां w l बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू जीरो मतलब w l बाई टू यह इसी एयरफोर्स एक्ट करेगा ठीक है W L बाई टू माइनस जीरो इजकल टू डब्ल्यू एल बाई टू ठीक है अगर मैं कहूं कि एट x इज इक्वल टू एल पर बताइए x इज इक्वल टू एल का क्या मतलब है ये ये सेक्शन जो है बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया ठीक है तो x बराबर एल हो जाएगा है ना तो वो भी बता दीजिए वहाँ पर क्या है b है ना तो एफ बी कितना हो जाएगा wl एल वाई टू माइनस एल तो कितना आएगा ये माइनस डब्लू एल वाई टू तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि जो सीयर फोर्स है a पर वो डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव है लेकिन b पर wl एल बाई टू निगेटिव है ये हमने देखा भी यहाँ ठीक है ओके अच्छा अब यहाँ सी फोर्स पॉजिटिव आ रहा है यहाँ सी फोर्स नेगेटिव आ रहा है मतलब अब ये तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ सी फोर्स जीरो होगा है ना जहाँ ये दोनों मैच करेगा है कि नहीं तो देखिए एट मिड पॉइंट पे भी निकाल के देख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू मतलब पॉइंट सी पर तो सी एयर फोर्स एट सील टू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स का जगह कितना लिखेंगे एल बाई टू ये कितना आ गया जीरो आ गया ठीक है ओके okay? तो यहाँ पर सीयर फोर्स डब्लू एल वाई टू है देखिए यहाँ सीयर फोर्स डब्लू एल वाई टू है यहाँ सीयर फोर्स माइनस डब्लू एल वाई टू है और लीनियर रिलेशन से दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे और सी पर कितना हो जाएगा ज़ीरो तो यही आपका एस एफ डी बन जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा ठीक है यही आपका फोर्स डायग्राम बन जाएगा मैं बेंडिंग मोमेंट के बाद बनाऊँगा ठीक है चलिए बेंडिंग मोमेंट अब देख लेते हैं तो बताइए मुझे कि बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन एक्स पर कितना होगा बता दीजिए तो देखते हैं ज़रा यहाँ ये है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कौन कौन से क्या राइट या लेफ्ट साइड जाना होता है हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं जो भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उसके कारण बेंडिंग मोमेंट निकाल देना है तो एक फ़ोर्स ये एक्ट कर रहा है आर एफ आर क्रॉस एफ ठीक है और एक ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आर एफ आर क्रॉस एफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ठीक है तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव लेना होगा ठीक है और ये दोनों के कारण निकाल दीजिए W यहाँ एक्ट कर रहा है x बाई टू दूरी पे W L है ना W L नहीं W X कहाँ ऐड कर रहा है एक्स बाई टू दूरी पे है ना तो ये तो आप सीख रखे हैं ऑलरेडी तो इसको मैं लिखता हूँ सीधे आर ए इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स इंटू एक्स बाई टू आर ए का मतलब क्या है डब्लू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स आ गया ठीक है सेक्शन एक्स कहाँ है यहाँ है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिखा है इसमें क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर मतलब पाराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा बेंडिंग मोमेंट यहाँ से पता चल गया ठीक है अब मैं इसी को अगर बेंडिंग मोमेंट एट ए निकाल दूँ तो उसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो तो डब्लू एल बाई टू इंटू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू जीरो स्क्वायर अपॉइन्ट टू ठीक है इट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है अगर मैं बेंडिंग मोमेंट बी पर निकालूँ तो बताइए कितना होगा इसी इसी क्वेश्चन में पुट करना होगा तो डब्लू एल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी पर देखिए तो ये सेक्शन यहाँ है तो एक्स दूरी पर है यहाँ आएगा तो कितना होगा और यहाँ यहाँ आ गया तो एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा ना ठीक है तो पुट करिए डब्लू एल बाई टू इंटू एल माइनस डब्लू इंटू एल स्क्वायर ओके बाई टू तो ये देखिए यहाँ भी आ गया डब्लू एल स्क्वायर बाई टू यहाँ भी आ गया डब्लू एल स्क्वायर बाई टू मतलब बेंडिंग मोमेंट बी पर भी कितना है जीरो है ठीक है बेंडिंग मोमेंट सी पर भी देख लेते हैं तो उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है हमें ठीक है सी के लिए देखिए ऊपर सी के लिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी मिड पॉइंट है तो एल वाई टू के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल दीजिए इक्वेशन देखते हुए क्या है इक्वेशन डब्लू एल वाई टू इंटू एक्स एक्स का जगह एल वाई टू होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एल स्क्वायर का मतलब क्या एल बाई टू है ना डब्लू एक्स की जगह क्या लिखेंगे एल बाई टू तो एल स्क्वायर बाई फोर ठीक है और नीचे टू तो है ही तो कितना हो गया डब्लू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई एट इट विवल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कितना एट फोर एट ठीक है सॉरी ये आपका नेगेटिव क्यों है है ना डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई एट पॉजिटिव में आ गया ठीक है तो मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है ठीक है आप इसको ऐसे भी देख लो जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो लोड है ना यू डी एल अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करे और यहाँ और यहाँ सपोर्ट है तो क्या करेगा इसको ऐसे बेंड नहीं करेगा तो ये एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं बन गया तो ये मतलब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा ये भी तरीका मैंने बताया था ठीक है ओके बाबू चलिए आप लोग समझ गए हैं अब देखिए मैं क्या करता हूं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ कॉपी पेस्ट देखिए जिसकी जरूरत नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ ठीक है देखिए अब मुझे शेयर फोर्स डाइग्राम पहले बनाना है तो हमने क्या देखा था शेयर फोर्स डाइग्राम तो मैंने बना ही दिया था ठीक है पॉइंट ए है बी है सी है ए पर कितना आया था बताइए ए पॉइंट पर कितना आया था शेयर फोर्स कहाँ गया ए पॉइंट पर शेयर फोर्स आया था यहाँ आपको दिखेगा डब्लू एल बाई टू ठीक है बी पॉइंट पर कितना आया था माइनस डब्लू एल बाई टू और सी पर कितना आया था जीरो आया था तो ये W L बाई टू है ठीक है A पॉइंट पर B पॉइंट पे कितना है माइनस डब्लू एल बाई टू सी पॉइंट पे कितना है ज़ीरो है ठीक है और ये स्ट्रेट लाइन लो फॉलो करेगा तो तीनों पॉइंट को आप जोड़ देंगे सिंपली ठीक है जोड़ दिया हमने तो ये हमें क्या दे दिया सीयर फोर्स डाइग्राम एस एफ डी ठीक है ये हमारा सी एर फोर्स डाइग्राम हो गया ओके बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम भी ड्रा करना है देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखिए मुझे आप ये बताइए कि ए पॉइंट पर कितना था बेंडिंग मोमेंट और बी पर कितना था और सी पर कितना था तो आप देखोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कि ए पर ज़ीरो था बी पर ज़ीरो था सी पर डब्लू एल स्क्वायर यहाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट था ठीक है बना दीजिए उसी तरह ठीक है ए बी सी तो सी पर कितना है ये कितना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट है ठीक है तीनों पॉइंट और पारबोलिक लो को फॉलो करेगा ये इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट को जोड़ दीजिए ठीक है पार्बलिक लो को फॉलो करते हुए तो ये आपका क्या मिल गया आपको बी एम डी मिल गया ठीक है तो इस तरह हमने सीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है वो हमने सीख लिया किस केस के लिए सीख लिया जब एक यू डी एल एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पर तब ठीक है ओके okay, चलिए ये आप समझ चुके हैं अब इसके ऊपर एक नोमरिकल करेंगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा ए क्वेश्चन ड्रॉ दी एस एफ डी एंड बी एम डी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ एट मीटर कैरिंग यू डी एल ऑफ टेन किलो न्यूटन मीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर एस ओम ठीक है फिगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें एक आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसमें पॉइंट ए सी डी बी दे रखा है एक यूडीएल है जो पूरी बीम के ऊपर तो नहीं है एक पार्ट ऑफ़ द बीम के ऊपर है ठीक है सी और डी पॉइंट के बीच में जिसका पॉइंट टेन पर मीटर दे रखा है एट मीटर इज़ लेंथ ऑफ द बीम एक मीटर की दूरी पर शुरू होता है ये यू डी एल और चार मीटर तक वो यू डी एल जाता है ठीक है और दूसरे साइड फिर तीन मीटर की दूरी है ओके तो इसके लिए बोला जा रहा है कि एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करिए ओके सो लेट अस सी कैसा हमारा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को लेकर के फर्स्ट एंड द फोर थिंग आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है सबसे पहले रिएक्शंस निकालने होंगे आर ए और आर बी ठीक है तो पहली बात तो ये आपको पता है कि समेशन ऑफ फोर्सेज इन दाई डीवल टू जीरो सो आर ए प्लस आर बी माइनस ये आर ए ऊपर की ओर ये आर बी ऊपर की ओर और, और ये फोर्स नीचे की ओर ठीक है तो आर ए प्लस आर बी माइनस कितना टेन न्यूटन मीटर है पर मीटर है ना ठीक है इंटू टेन इंटू ये डिस्टेंस कितना है पूरा फोर तो टेन इंटू फोर ये एक पॉइंट लोड के रूप में नीचे की ओर एक्ट कर गया ठीक है तो आर ए प्लस आर बी माइनस टेन इंटू फोर इट्स इक्वल टू जीरो दैट मीन्स आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है फिर अगर मैं पॉइंट एक के लॉन्ग मोमेंट ले लूँ तो ये आर क्रॉस बी आर क्रॉस एफ ये एक हो गया पहला मोमेंट और एक ये ठीक है इस फोर्स के कारण ठीक है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ओके okay? तो मोमेंट uh, को अगर मैं जीरो रखूँ तो इसका मतलब इक्वेशन ये होगा कि आर बी इंटू अबाउट दिस पॉइंट वी आर टेकिंग द मोमेंट ठीक है आर एफ आर क्रॉस एफ काउंटर क्लॉक वाइज है ठीक है आर बी इंटू क्या ये कितना है एट है ना आर बी इंटू एट माइनस क्यों माइनस क्योंकि ये जो है दूसरे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ठीक है माइनस पहले लोड लिख दीजिए कितना है टेन इंटू फोर ठीक है लोड हमने लिख दिया अब ये लोड यहाँ एक्ट कर रहा है ना तो ये दूरी कितनी है इसका मिड पॉइंट पहले बताना होगा तो दो मीटर इसका मिड पॉइंट यहाँ से ठीक है और प्लस ये वन मीटर थ्री मीटर ठीक है यही होगा ना इज इक्वल टू ज़ीरो और आर बी इज इक्वल टू फोर्टी इंटू थ्री बाई एट पाँच बार में कट जाएगा ना ठीक है टी ट्वेलि फिफ्टीन किलो न्यूटन तो आर बी आपका पंद्रह किलो न्यूटन आ गया तो अब इस इक्वेशन को देखिए जरा यहाँ से बताइए आर ए कितना आएगा आर ए आएगा पच्चीस किलो न्यूटन तो पहला काम हमारा हो गया ठीक है सबसे पहला काम तो ये होता है ना आर बी और आर ए निकालना ठीक है सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो उसमें हम लोग आर बी और आर ए निकाल लेते हैं ठीक है डन अब बात करते हैं सी फोर्स का डायग्राम का ठीक है कि सी फोर्स डायग्राम तक हम लोग कैसे पहुंचे? तो अब इस डायग्राम को देखिए और बताइए मुझे कि सीयर फोर्स ए पॉइंट पर कितना होगा सीयर फोर्स ए पॉइंट पर कितना होगा ये आपको बताना है ठीक है ठीक है सो सीयर फोर्स एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू देखिए इसमें क्या तरीका निकालेगा कि कोई भी एक कहीं भी आप एक सेक्शन लो ए और सी के बीच में फिर इधर लेफ्ट साइड जाओ और देख लो ठीक है उस तरह तो है ही मेथड और डायरेक्टली भी आप बता सकते हो एक्सपीरियंस के आधार कि ठीक है कि सीयर फोर्स अगर मैं ए पॉइंट पर जानूँ तो क्या होगा देख कर क्या बता सकते हो इट इज़ ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन ठीक है और पॉजिटिव भी होगा ठीक है ये आप देख कर एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हो इट विल तो भी ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन ठीक है अब ए और सी के बीच में बताइए क्या होगा तो ये भी आपको पता है कि चूँकि ए और सी के बीच में और कोई भी दूसरा लोड नहीं है इसलिए सीयर फोर्स ए और सी के बीच में कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है तो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी कितना होगा जो ए पर था डैट इज़ ट्वेंटी जस्ट टू द राइट ऑफ सी कितना होगा तो हम लोग देखेंगे ठीक है ओके okay? तो ये चीज़ मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि कांस्टेंट रहेगा है ना कांस्टेंट बिटवीन ए एंड सी क्यों कांस्टेंट है क्योंकि कोई भी और लोड एक्ट नहीं कर रहा है सीयर फोर्स एट बी पर बता दीजिए इसी तरह देखिए सीयर फोर्स बी पर बताना है अगर हमें तो हमें पता है कि अगर किसी में एक सेक्शन ले लेते हैं उसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड की बात करते हैं अगर मैं राइट right साइड की बात करूं तो मेरा सीधे निकल गया कि 15 किलो न्यूटन लेकिन ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है सेक्शन के राइट right साइड में दैट मीन्स इट विल भी निगेटिव है ना तो सिर्फ और सब सीधे बता सकते हो कि इट विल भी माइनस किलो न्यूटन ठीक है और दूसरी बात कि अगर माइनस पंद्रह किलो न्यूटन में बोल रहा हूँ बी से तो बी और डी के बीच ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई भी और लोड एक्ट नहीं कर रहा है बी और डी के बीच ठीक है तो बी और डी के बीच भी कितना रहेगा माइनस पंद्रह किलो न्यूटन कॉन्स्टेंट ठीक है अब मुझे बताइए ये भी मैं यहाँ लिख देता हूं ठीक है कांस्टेंट बिटवीन बी एंड डी ठीक है अब मैं बात करता हूँ एक सेक्शन की ठीक है अब मैं क्या करूँगा एक सेक्शन ले लूँगा एक सेक्शन मैं यहाँ ले लेता हूँ ये रहा हमारा एक सेक्शन जो कितनी दूरी पे है x दूरी पर है कहाँ से ए से ठीक है ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है x दूरी पर एक सेक्शन हमने ले लिया ओके अब उस सेक्शन के लिए हमें सीयर फोर्स बताना है तो उसको मैं एफ एक्स से अगर डी करूँ तो बताइए मुझे कि उस सेक्शन पर कितना होगा सीयर फोर्स यहाँ पर सीयर फोर्स कितना होगा तो लेफ्ट या राइट right हम लोग जा सकते हैं चलिए लेफ्ट चलते हैं तो लेफ्ट साइड में समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक फोर्स ये है ऊपर क्योरेक्ट कर रहा है एक फोर्स ये है नीचे क्योरेक्ट कर रहा है तो लिखिए तो जरा कितना होगा एफ एक्सिकल टू एक तो आ रे है आपके पास ठीक है माइनस अब ये देखिए ये इसके कारण कितना होगा लोड तो डब्लू इंटू दिस डिस्टेंस ये कितना है ये टोटल एक्स है और ये वन है तो ये बचा क्या x माइनस वन ठीक है इट विल बी x माइनस वन तो आर ए इंटू डब्ल्यू एक्स माइनस वन ठीक है एफ एक्स मतलब एफ एक्स मतलब क्या shear फोर्स एक्स सेक्शन पर एक्स कहाँ है सी और डी के बीच में कहीं भी ये लाई कर सकता है ठीक है उसी के लिए हमने एक्स लिखा है ओके तो अब बताइए एक चीज यहाँ ये आपको दिख रहा है ये एक लीनियर रिलेशन दिखा रहा है एक्स आ गया ना ठीक है तो एक लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन लॉ को फॉलो करेगा एक लीनियर रिलेशन दिखाएगा ठीक है अब मैं एफ़ एक्स निकाल दिया हूँ तो मैं एफ़ सी की अगर बात करूँ ठीक है देखें यहाँ फिगर फिर से अगर एफ़ एक्स निकल गया है और मैं एफ़ सी की बात करूँ तो बताइए क्या होगा एफ़ सी में सिंपल सी बात है कि ये डिस्टेंस एक्स है ठीक है ओके और हमें यहाँ पर शेयर फोर्स निकालना है तो x कितना हो जाएगा ये जो सेक्शन यहाँ लिया हुआ है सेक्शन अब यहाँ आ जाएगा तो x इतना हो जाएगा इतना कितना हो तो वन मीटर दे रखा है ना ठीक है तो x इज इक्वल टू वन लेना पड़ेगा एफ सी के लिए ठीक है आर ए की वैल्यू बताइए कितनी है ट्वेंटी फाइव माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है टेन एक्स की वैल्यू कितनी है सी के लिए वन डैट मीन्स इट विल बी ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन एफ सी हमने निकाल लिया ठीक है यही बात हमने ऊपर भी बताई थी आपको एफ़ डी की बात करें तो एफ डी एफ डी के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा एफ डी के लिए इस सेक्शन को यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ लाना पड़ेगा दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसका मतलब फोर प्लस वन फाइव ठीक है तो एफ डी निकाल दीजिए उस हिसाब से ट्वेंटी फाइव माइनस टेन फाइव माइनस वन डैट इज़ ट्वेंटी फाइव माइनस टेन इंटू फोर फोर्टी डेट इज़ माइनस फिफ्टीन किलो न्यूटन ठीक है तो सीयर फोर्स डी पॉइंट पे फिफ्टीन किलो न्यूटन निकल गया है ठीक है अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करिए कि ए पर जो सीयर फोर्स है वो पच्चीस आ रहा है सी पर भी पच्चीस है ठीक है और बी पर है जो माइनस पंद्रह आ रहा है डी तक माइनस पंद्रह है ठीक है और इन दोनों के बीच एक लीनियर रिलेशन है तो कुछ ऐसे ये जोड़ दिया जाएगा ठीक है स्ट्रेट लाइन से तो सीयर फोर्स डायग्राम हमारा कुछ ये पॉजिटिव ये निगेटिव है लेकिन एक देख रहे हैं कि सीयर फोर्स एक किसी पॉइंट पे जीरो आ रहा है हमारा ठीक है वो पॉइंट कौन सा है तो डायग्राम बनाते वक्त ये आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा पॉइंट है जहाँ सीयर फोर्स जीरो आ रहा है तो अब उसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं ठीक है देखिए यहाँ एफ एक्स का मैंने एक रिलेशन निकाला है ठीक है ओके जिसमें एक्स की बात की अब यहीं पर अगर मैं एफ एक्स की जगह जीरो लिख दूँ ठीक है और एक्स को सॉल्व करके निकाल लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि सी फोर्स कहाँ ज़ीरो आया है ठीक है तो मैं इसी क्वेश्चन का यूज़ करूँगा जहाँ एफ़क्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा ठीक है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस वन आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस वन इसको मैं जीरो पुट कर दूँ सीयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि मैंने देखा है कि सीयर फोर्स जीरो आ रहा है लेकिन किस पॉइंट पर आ रहा है हमें पता नहीं है उस पॉइंट को अगर मैं जानना चाहूँ तो हमें एफ़ेक्स सीयर फोर्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा नहीं एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है कि यहाँ आ रही है कि यहाँ आ रही है पता चल जाएगा आपका एक्स की वैल्यू ठीक है तो सीयर फोर इसकल टू तो जीरो पुट करके देखते हैं तो क्या आता है और आर ए की वैल्यू पच्चीस है माइनस टेन इंटू एक्स हमें निकालना है इज इक्वल टू तो ज़ीरो और पच्चीस माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस टेन इक्वल टू तो ज़ीरो और पैंतीस इज इक्वल टू तो टेन एक्स और एक्स इज इक्वल टू तो थ्री तो पॉइंट फाइव मीटर ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर ये कहीं वहाँ पर पॉइंट ई e हमें कंसिडर करना होगा जो कि सीयर फोर्स जीरो को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ओके okay. यहाँ मैं लिख दूँ क्या सीअर फोर्सल टू ज़ीरो ठीक है चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई है आपकी आई होप है ना अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट पे जा सकते हैं ठीक है इसकी डायग्राम मैं बता दूं क्या देखिए डायग्राम जो मैंने बना बताया था वही है इसको फ, फ, व, व, बाद में हम लोग फिर से बनाएंगे यहाँ 25 है यहाँ 15 है निगेटिव में ठीक है सी तक 25 गया है ये भी माइनस पंद्रह तक गया है फिर दोनों स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाना चाहिए ठीक है तो ये हमारा एस बन गया ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये पॉइंट कितनी दूरी है तो लेफ्ट साइड से ये थ्री मीटर पर लाई कर रहा है ठीक है ये हमारा बन गया डायग्राम ठीक है इसी को मैं फाइनल बनाऊँगा ठीक है लेकिन समझने के लिए जान जाइए दिस इज द डायग्राम ओके लेटर्स नाउ कम टू बेंडिंग मोमेंट मुझे बताइए आप सीधे सीधे कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना होगा ठीक है तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं कि भैया एक सेक्शन ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ देखेंगे कि आर क्रॉस एफ वगैरह जो भी है करके तो कितना निकल कर आएगा है ना एक प्रोसेस है जो भी है ठीक है Uh, तो लेकिन डायरेक्टली अब आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकते हो ठीक है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए इज एक्वल टू जीरो ऐसे कर देना है ख़त्म लेफ्ट साइड में कोई लोड नहीं है ख़त्म ठीक है तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है सिंपली सपोर्टेड में फ्री एंड जो है आपका जो एंड पॉइंट होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है एक्सपीरियंस पर आपको पता चल जाएगा ठीक है इतने न्यूमेरिकल किया नहीं एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप सॉल्व करो उसको यू विल गेट द सेम थिंग बेंडिंग मोमेंट बी वो भी एंड पॉइंट है ठीक है तो वो भी बेंडिंग मोमेंट जीरो सिंपली सपोर्टेड में एंड पॉइंट जीरो बेंडिंग मोमेंट ठीक है वो भी आपको दिख गया अगर कोई लोड वगैरह एक्ट नहीं कर रहा तो ठीक है बेंडिंग मोमेंट सी पर बताइए देखिए ज़रा बेंडिंग मोमेंट अगर सी पर जानना है हमें यहाँ पर ठीक है तो या तो राइट सेक्शन या तो लेफ्ट सेक्शन ले लेते हैं ऐसा करते हैं हम लोग लेफ्ट में जाते हैं लेफ्ट में जो भी लोड लग रहे हैं उसके कारण जो भी मोमेंट एक्ट होगा वो निकाल लेना है ठीक है आर एफ आर क्रॉस एफ ठीक है पॉजिटिव दिख रहा है हमें ठीक है तो उसी पर आर ए इंटू कितना वन इज इक्वल टू पच्चीस किलो न्यूटन मीटर और ये पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन ये क्लॉक वाइज है ठीक है अब मुद्दा ये आता है कि सी और डी के बीच कैसा वेरिएशन होगा ये नहीं पता हमें तो यहाँ हम लोग एक सेक्शन ले लेंगे जो एक्स दूरी पर लाई करेगा ठीक है और उस सेक्शन पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ओके निकालिए तो ज़रा उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट एक्स करके डिनोट कर देते हैं ठीक है क्या आएगा आर ए इंटू एक्स देखिए तो इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो आर ए ठीक है आर क्रोसेफ ये एक दिख रहा है हमें ठीक है एक्स इंटू आर ठीक है तो एक ये दिख गया दूसरा ये जो है ना ये इसके कारण ये जो जिस भी डिस्टेंस पे है तो उस डिस्टेंस के कारण ये जो लोड लगाएगा वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ठीक है तो पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या डब्लू डब्लू इंटू ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस आपको नहीं लगता ये एक्स है और ये वन है तो ये डिस्टेंस x माइनस वन है तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट लोड के रूप में ये हो जाएगा w इंटू एक्स माइनस वन ठीक है और कितनी दूरी पर एक्ट करेगा ये मिड पॉइंट पे, तो ये अगर टोटल x माइनस वन है तो x माइनस वन बाई टू पर ये एक्ट करेगा ठीक है उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस लोड कितना है तो w इंटू एक्स माइनस वन ये लोड हो गया आपका ठीक है ओके okay. डन इन टू किस डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है तो एक्स माइनस वन ठीक है बाई टू पर एक्ट कर रहा है ओके इज इक्वल टू आर ए कितना है पच्चीस एक्स माइनस डब्लू की वैल्यू हमें पता है टेन है एक्स माइनस वन ठीक है इन टू एक्स माइनस वन, वन बाई टू टू से इसको फाइव टाइम्स कर दीजिए तो पच्चीस एक्स माइनस पाँच एक्स माइनस वन का स्क्वायर तो ये आ रहा है बेंडिंग मोमेंट x पर x मतलब क्या कोई भी पॉइंट बिटवीन c एंड d हमने जो लिया है ठीक है तो c पर निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है फिर d पे निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है ठीक है देखिए तो जरा इसी से अगर मैं बेंडिंग मोमेंट c पे निकालना चाहूँगा तो c के लिए x की वैल्यू कितनी होगी जरा ये बताइए हमें फ़ोर पॉइंट सी एक्स की वैल्यू कितनी है ये है ना c वन फोर पॉइंट सी एक्स विल भी इक्वल टू वन इंटू इंटू वन माइनस फाइव इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा पच्चीस किलो न्यूटन मीटर ठीक है पहले भी हमने निकाला है पॉजिटिव तो है ही ठीक है बेंडिंग मोमेंट डी पर निकालना चाहे तो देखिए तो जरा डी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर पॉइंट डी ये जो एक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी डैट मीन्स ये फोर प्लस वन फाइव ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू अगर आप फाइव पुट कर दें पच्चीस इंटू फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस वन का स्क्वायर एक सौ पच्चीस माइनस पाँच गुने सोलह एक सौ पच्चीस माइनस अस्सी फोर्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है अब हमारा काम खत्म हो गया लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है हमने ए बी डी सी निकाल दिया लेकिन एक जगह जहाँ सी एर फोर जीरो था ना जो तीन पॉइंट पाँच मीटर पे लाई कर रहा था ठीक है पॉइंट ई हमने डिफाइन किया था जहाँ सी आर फोर जीरो था उस पॉइंट पे भी आपको निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट ठीक है तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई अगर निकालना है तो सिंपल जो ऊपर का इक्वेशन है वही फॉलो करेंगे ठीक है यहाँ जो इक्वेशन दिख रहा है वही फॉलो करना है अंतर क्या आएगा एक्स का जगह थ्री पॉइंट फाइव मीटर खत्म ठीक है तो इट विल्वल टू तो पच्चीस इन टू थ्री पॉइंट फाइव माइनस पाँच थ्री पॉइंट फाइव माइनस वन स्क्वायर ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी जरा बताइए पच्चीस इंटू थ्री पॉइंट फाइव एट्टी सेवन पॉइंट फाइव माइनस फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर है ना तो ये आपका लगभग आ जाएगा थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इट विल बी टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव ठीक है ओके okay. तो ये इस तरह हमने देखा कि कैसे फोर्स पेंडिंग मोमेंट निकाला जा सकता है ठीक है बात है अब डायग्राम की तो डायग्राम भी बना देते हैं लंबा चौड़ा ये न्यूमेरिकल है और इस तरह के क्वेश्चन की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में ठीक है थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना जिन चीज़ों का काम नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ ठीक है चलिए देखिए पहले मैं एस एफ डी बना दूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ए पर कितना था पंद्रह देखते जाना पड़ेगा आपको सीयर फोर सेट पॉइंट ए कितना था पंद्रह नहीं पच्चीस था बी पर माइनस पंद्रह था ठीक है ए पर पच्चीस सी पर माइनस पंद्रह ठीक है और ए से सी तक जाइए ये में गया सी तक कांस्टेंट था बी से डी तक जाइए ये में गया कांस्टेंट ठीक है फिर स्ट्रेट लाइन के द्वारा दोनों को मैं जोड़ दूंगा क्योंकि एक लीनियर वेरिएशन था जोड़ दिया लेकिन अब मुझे ये बताना हो जरूरी है कि ये तो ए है ये पॉइंट सी है ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है ठीक है ये तो हमें पता है कि डी पर माइनस पंद्रह है सी पर पच्चीस है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ठीक है लेकिन जहाँ सी सी फोर्स जीरो है ई e, वो कितनी दूरी पर लाई कर रहा है हमने निकाला था कितनी दूरी पर था थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर ठीक है तो ये सारा चीज़ अगर आप बना दोगे तो आपको फिगर में आपने एग्जैक्टली exactly सब कुछ बता दिया ठीक है और ये एस एफ डी हो गया देन बी एम डी अगर आपको ड्रॉ करना है तो बी एम डी यू करिए पॉइंट ए पर आपको पता है जीरो है बी पर जीरो है सी पॉइंट पे देखे तो कितना है बेंडिंग मोमेंट पच्चीस है डी पर पैंतालीस है और ई e पर छप्पन है पॉइंट टू फाइव ठीक है सी पर पच्चीस है डी पर कितना बताया पैंतालीस है, है और ई e पर कितना बताया छप्पन पॉइंट टू फाइव ठीक है तो अब ये हमें पता है पहली बात तो कि ये चूकि एक पाराबोलिक नेचर शो करेगा ठीक है ओके तो पॉइंट्स को जोड़ना है एक पैराबोलिक फॉर्म में ठीक है तो जोड़ देंगे ठीक है और हर पॉइंट को मार्क कर देना है है ना पॉजिटिव तो है ही लेकिन सी पर कितना है बेंडिंग मोमेंट पच्चीस यहाँ कितना है 56.25 सिक्स पॉइंट टू फाइव यहाँ कितना है 45 कौन सा पॉइंट है ये E ये डी ये सी है ना और ई कितनी दूरी पे है 3.5 मीटर की दूरी पे ठीक है ठेके? ये आपका बी एम डी मिल जाएगा आपको ठीक है ये तरीका है ये क्या है पारबोलिक है पूरा ठीक है ये तरीका है अप्रोच रखने का ठीक है इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है एक और न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी